एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत मज़े की है। ये है पालक चिकन, माय हस्बैंड्स फेवरेट। और देखिए, मैंने साथ पराठे और लस्सी भी बनाई हुई है। एक बड़े से बर्तन में मैंने दो प्याज स्लाइस ले लिए, या फिर एक लार्ज ले लें और उसके अंदर आधा कप तेल ले लें और उसे गोल्डन कर लें। अब गोल्डन प्याज हो गए हैं तो इसमें मैंने गार्लिक और जिंजर की पेस्ट डाल दी। अब इसके साथ ही मैंने इसमें 3 पाउंड के करीब चिकन ब्रेस्ट यूज़ की है। अगर आपके पास ब्रेस्ट नहीं है तो आप फुल चिकन यूज़ करें। मुझे तो फुल चिकन ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे पास उस दिन चिकन ब्रेस्ट थी। अब इसके साथ मैं आपको मसाले दिखा दूँ। इसमें मैंने लाल मिर्च ली है, धनिया लिया है जो कुटा हुआ, साथ इसके ज़ीरा पाउडर है, नमक है, हल्दी है और वो मोटी इलायची है। चिकन मेरा थोड़ा वाइट होने लग गया है। अब देखें, इसका रंग जो है वो चेंज हो गया है। अब चिकन जो है वो इतना पक चुका है कि हल्का सा गोल्डन हो गया। अब इसके ऊपर आप सारे मसाले डाल दें और इसे भून लें। मसालों को थोड़ा सा ही भूनना है, वरना मसाले जल जाते हैं। चिकन की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त। अब इसको मैं थाम दूँगी और इसे पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। इसको तेज़ आंच पे हमने अब भूनना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका तेल जो है वो सेपरेट नज़र आ रहा है और पानी जो है वो सूख गया है चिकन का। जी फ्रेंड्स, अब चिकन तो जो है वो भून चुका है, तो इसमें अब मैं टमाटर की जो प्यूरी है वो डाल रही हूँ। मैं कैंड यूज़ करती हूँ, उसका कलर बहुत अच्छा आता है हांडी में। अगर आपको कैंड नहीं पसंद तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं टमेटो की प्यूरी। अगर आपको प्यूरी नहीं बनानी, आप चॉप्ड टमेटो यूज़ कर लें। जी दोस्तों, अब देखिए इसका जो घी है वो ऊपर आने लग गया है, दैट मीन्स कि ये भून चुका है। इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए भूना था। और आपने चमचा चलाते रहना है भूनने के वक्त, ये ना हो कि सारा मसाला आपका हांडी पे ही लग जाए। देखिए, अब मसाले की जो रंगत है और जो इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से वो भूना गया है। अब इस पे मैंने बहुत सारी बेबी स्पिनच थी मेरे पास साफ धोई हुई, वो डाल दी है मैंने इसमें सारी। पालक शामिल कर ली है, अब इसको ध्यान से आपने मिक्स करना है चिकन के साथ। अब आपने इसमें आधा कप पानी डाल देना है कि ये जो पालक है वो गल भी जाए और जले भी ना, क्योंकि पालक जो होती है वो जल्दी लग सकती है हांडी के साथ। ये देखें कितनी अच्छी बनी है पालक चिकन। अब मैं इसको मज़ीद अच्छा बनाऊंगी। इसमें मैंने क्रीम डाली है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें, अगर आपको नहीं डालनी ना डालें। तकरीबन आधा कप हैवी क्रीम मैंने इसमें यूज़ की है। हैवी क्रीम डालने के बाद आप इसको 4 से 5 मिनट तक सिमर होने दें, दैट मीन्स के इसको मीडियम आंच पे आप इसको पकाएं और ये रेडी है। और इसके साथ देखिए मैंने क्या बनाया, देसी घी के पराठे। अब इसकी शेप पे मत जाइएगा, ये बने बहुत मज़े के हैं। ये देखें, क्रिस्पी देसी घी के पराठे विथ लॉट्स ऑफ लेयर्स, बहुत सी लेयर्स हैं इसमें, बहुत मज़े का बनता है ये। साथ इसके मैंने पालक चिकन सर्व की है और इसके साथ मीठी लस्सी भी सर्व की है। बहुत मज़े का मील बना था ये, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। और आप कौन सी और रेसिपीज सीखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। सी यू नेक्स्ट टाइम।